नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने रामचरितमानस के बारे में कई जानकारी बताए हैं, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाते हैं, निरंतर आपको हानि पहुंचाने में लगे होते हैं, आपके जीना हराम कर चुके, तो आज मैं आप लोगों को रामचरितमानस के एक ऐसा चौपाई के बारे में बताऊंगा जिसका अगर आप केवल 2 से 3 दिन पाठ करेंगे, मैं चौपाई के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल ये आपके शत्रु के सर्वनाश कर देंगे, उसके चिथड़े उड़ा देंगे। चाहे वह शत्रु आपके कैसा भी क्यों ना, कितना बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, बिल्कुल ही उनको छठी याद दिला देंगे मित्रों। तो रामचरितमानस जो है अपने आप में बहुत ही बड़ा दिव्य मंत्र है, मंत्र के सागर है। रामचरितमानस के प्रत्येक जो चौपाई है, छंद है, दोहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र की सागर है। इनके प्रयोग करके जीवन में चल रहे प्रत्येक प्रकार के कष्ट है, प्रत्येक प्रकार के जो बाधा है, इसे आप दूर कर सकते हैं। एक सज्जन ने रामचरितमानस की मैं जो चौपाई के बारे में बताऊंगा, इस चौपाई को पढ़ा, निरंतर उन्हें शत्रु परेशान कर रहे थे, उनके शत्रु के सर्वनाश हो गए। और ऐसा भी बताया जाता है जो रामचरितमानस की जो चौपाई है, इसके वैल्यू, इसके जो कहा जाए मान, स्वयं भगवान शंकर जी रखते हैं। और रामचरितमानस की जितने भी चौपाई है, छंद है, इसकी प्रशंसा स्वयं भगवान शंकर जी ने भी किए हैं। तो रामचरितमानस की ऐसी कौन सी चौपाई है जिसे पढ़ने से या फिर जिनकी स्मरण करने से शत्रु का सर्वनाश हो जाता है, इस वीडियो में जानते। तो सर्वप्रथम आपको राम जी का ध्यान करना है, और राम जी का ध्यान करके आप ये जो मैं चौपाई बताऊंगा, इसे सुबह शाम बिल्कुल ही 108 के संख्या में जरूर जाप करना है। जितना ज्यादा आप जाप करोगे, आपके शत्रु का सर्वनाश होता जाएगा। तो इस प्रकार से है चौपाई। बैरू न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। ये बहुत बड़ा चौपाई है मित्रों, बहुत बड़ा ये मंत्र का सागर है। जितना ज्यादा जाप करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके शत्रु का सर्वनाश होगा। एक हनुमान जी का भी मैं चौपाई बता देता हूँ, रामचरितमानस में लिखा है, ओम प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगर वसी रामसर चाप उधर। ये हनुमान जी महाराज का दिव्य मंत्र है, रामचरितमानस में लिखा हुआ। अगर आप भी इनका जाप करते हैं तो कितना बड़ा बड़ा आपके शत्रु, बलवान क्यों ना, राजनेता क्यों ना, बिल्कुल ही 7 से 10 दिनों के भीतर में आप खुद देखना अपनी आंखों से, उनका सर्वनाश होना शुरू हो जाते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अपने हित के लिए ही इसका प्रयोग करना है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना है। खजाना की खोज आज से नहीं बल्कि सदियों से करते आ रहे हैं, और इसमें बहुत से लोग सफल भी हो जाते हैं। खजाना यानी कि माया हमेशा किसी दिव्य और अद्भुत चीज को लेकर के अंदर में छुपा होता है। तो हमारे आज की जो वीडियो का टाइटल है कि करोड़ों का खजाना छुपा होता है, इसके अंदर में किस प्रकार पहचाने। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखना, छोटी सी वीडियो बनने वाली है, 2 से 2.5 मिनट की जानकारी है, ये जानकारी आगे चल करके आपको काम आएंगे। कोई भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा ऑनलाइन आने पर आपकी बिल्कुल ही मदद की जाएगी। तो हमारे तंत्र शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है मित्रों के ऐसे वृक्ष जिसमें कौवा, बगुला एवं सभी जो हिंसक पक्षी हो, जो कि आपस में बैरी दुश्मनी रखते हैं, जैसे कि कौवा और बगुला और हंस, इनके एक दूसरे कभी भी नहीं बनते। तो ऐसे पक्षी जो आपस में अगर एक ही स्थान के पेड़ पर बैठते हैं, बिल्कुल ही उसके नीचे में जमीन में दबावधन होता है, इसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा रावण संहिता और वराह संहिता में जानकारी मिलता है। इसी के साथ 12 से 18 वर्ष पुराने जो तेलिया कंद होते हैं, जिसके नीचे निरंतर तेल का रिसाव होते रहते हैं, ऐसे स्थान का जो तेलिया कंद होता है, इसके नीचे में भी गड़धन छुपा होता है। ये पुरुष तेलिया कंद के नीचे में ही पाया जाता है। तेलिया कंद 2 प्रकार का होता है, एक जो होता है स्त्री और एक जो होता है पुरुष। जो पुरुष तेलिया कंद होता है, इसके नीचे में बिल्कुल ही जमीन में दबावधन होता है। तेलिया कंद की रक्षा नाग देवता करते हैं। जब भी आप इसका खनन करें तो थोड़ा सा सावधान होकर के, सतर्क होकर करना। इसके बाद मित्रों जो है मशरूम, जी हाँ, जो मशरूम होते हैं, ऐसे स्थान का मशरूम जहां पर पानी नहीं हो, फिर भी बिना बरसात के मशरूम निकलते हो, और केवल 1, 2 या 5 की संख्या में निकलते हो, तो उसके स्थान में भी जो जमीन में गड़वधन पाया जाता है, क्योंकि बिना बरसात के मशरूम का उगना भी अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। और इसके अंदर 1, 2 या 5 की संख्या में मशरूम अगर जिस स्थान पे कहा जाए उगने लगे, जिस स्थान से निकलने लगे, उस स्थान पर जमीन में दबा हुआ धन होता है। इसके साथ ही मित्रों जो काला कपास होता है, कपास तो अधिकतर आपको देखने को मिल जाएंगे पीले और सफेद कलर के, लेकिन जो काला कलर का कपास होता है, इसके जड़ में यक्षिणी और अज्ञात शक्ति द्वारा धन छिपाया गया होता है। जो काला कलर के अगर आपको कपास का पौधा मिल जाते हैं,
तो बिल्कुल इसके नीचे में जमीन में दबा हुआ धन होता है, यक्षिणी के माध्यम से छुपा करके रखे गए होते। इस प्रकार के धन को प्राप्त करके आप भी अपनी गरीबी मिटा सकते हैं। आशा करता हूँ प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से जो जानकारी हमारे चैनल में साझा की गई है वह जानकारी आगे चल करके आपको जरूर काम आएंगे। तो ये पिछले वाले वीडियो में हर श्रृंगार के बारे में बताया था, इसके पांच फायदे बताया था, आज मैं आप लोगों को तीन से चार इसके और भी प्रयोग बताऊंगा। ये आपको धन लाभ कराएंगे मित्रों, वशीकरण का काम कराएंगे, आपके शत्रु का नाश करेंगे, बहुत सारे इसका फायदा बताऊंगा। और हर दिन की तरह गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप भी वनस्पति की जानकारी को सीखना चाहते हैं, इसके ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे चैनल का नाम ही है प्राचीन ज्ञान, हम प्राचीन ज्ञान की अच्छे अच्छे जानकारी सिखाते हैं। तो आइए इसके कुछ चमत्कारिक प्रयोग जानते हैं। तो अगर वशीकरण किसी का करना चाहते हो तो हर श्रृंगार को छाया में सुखा करके, जो हर श्रृंगार होता है इसके छाल को छाया में सुखा करके शुद्ध गोरोचन में मिला करके इसका अगर माथे पर आप तिलक करते हैं तो वशीकरण का काम करते हैं। ये पूरी तरह से सभा का वशीकरण कर देते हैं, जिस व्यक्ति को वश में करना चाहते हैं उसका ये वशीकरण कर देते हैं। अगर आपको शत्रु निरंतर परेशान कर रहे हैं तो शत्रु तो ऐसे कई प्रकार के होते हैं, इनमें कैसे विजय प्राप्त किया जाए तो इसके साधन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आपके शत्रु बार बार आपको परेशान करते हैं तो हर श्रृंगार की टहनी के साथ नागदोन की जड़ शनिवार की रात्रि में शत्रु के घर में आपको फेंक देना है। फिर से सुन लीजिए, शत्रु से अगर आप परेशान है तो हर श्रृंगार की टहनी के साथ नागदोन की जड़, जो नागदोन पौधा है इसके बारे में भी बता चुका हूँ, इसके जड़ शनिवार की रात्रि में शत्रु के घर में आपको फेंक देना है। सच माने यह प्रयोग से आपके शत्रु का सर्वनाश हो जाएंगे। और वैसे तो मारण के बारे में भी मुझे पता है, इसके प्रयोग सब जो शत्रु का मारण कर सकते हैं, शत्रु को मृत्यु के घात उतार सकते हैं, लेकिन ये जानकारी नहीं बताऊंगा। हाँ, मनोकामना पूर्ति करने के लिए एक तरीका बता रहे, एक यंत्र बताऊंगा। इस यंत्र से आपके निश्चित रूप से मनोकामना की पूर्ति होंगे। ये आपको कल्प वृक्ष के समान हर चीज अगर आप अपने घर में से फ्रेम में बंधवा करके रखेंगे तो हर चीज आपको प्रदान करेंगे। तो हर श्रृंगार को कुचल करके इसके रस आपको निकाल लेना है और इस रस में अष्टगंध आपको मिला देना है। और उल्लू के पंख या मोर की पंख के कलम से, उल्लू के पंख या फिर मोर के पंख आपको कलम बनाना है। और हमारे वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार से यंत्र आपको पलाश के पत्ते पर बनाना है। पलाश के पत्ते बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। और इस यंत्र को धूप से पूजा करके, धूप दीप दिखा करके पूजा करके कांच के फ्रेम में आपको मड़वा करके अपने घर में स्थापित करा देना है। ये मनोकामना पूर्ण रूप से आपकी करेंगे, इसे मनोकामना पूर्ति यंत्र बोलते हैं। इस प्रकार से देख लीजिए, बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। बस अगर आप इसके दर्शन करके किसी भी कार्य को करने के लिए जाएंगे वह कार्य सफल हो जाएंगे, धन लाभ प्राप्त करने के लिए जाएंगे धन लाभ मिलेंगे, यानी कि सभी प्रकार के आपकी मनोकामना की पूर्ति करेंगे। हर श्रृंगार एक दिव्य धनदायक वनस्पति की श्रेणी में आता है। आज मैं आप लोगों को इसी पौधा के बारे में बताऊंगा। हमारे आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है, वीडियो को पूरा जरूर देखना। इसे कई जगह हरजोड़ के नाम से जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रयोग मैंने खुद देखा है। अगर किसी व्यक्ति या पशु के किसी भी अंग का हिस्सा अचानक टूट जाता है तो हर श्रृंगार की टहनी को कुचल कर उसके टूटी हुई जो हड्डी होती है उस जगह पर लगाने से, ऊपर से कपड़ा लपेट कर बांध देने से कुछ दिनों में जो टूटी हुई हड्डी होती है आपस में जोड़ करके ठीक हो जाती है। यह मेरा प्रमाणित अनुभव है। पर आज तो हमारे पास असाध्य बीमारी से लेकर साधारण बीमारी से बचने के लिए कई उपचार पद्धति शामिल हो गई, मिल जाती है बहुत ही साधारण से, यदि से सही ढंग से शोध कर काम में लाया जाए। जो वनस्पति बताऊंगा हर श्रृंगार के बारे में, मानव कल्याण के लिए मैं जानकारी बता रहा हूँ। यह वनस्पति प्राय सभी स्थानों पर नहीं मिल पाते, लेकिन कुछ कुछ स्थान पर ये मिल जाते हैं, क्योंकि वनों के विनाश के साथ साथ जड़ी बूटी जो दृश्य हमारे समाज से विलुप्त हो चुकी है। इस वनस्पति पर मैंने विभिन्न प्रकार से शोध किया है मित्रों, जैसे कि ओझा है, मुनि है, योगी, बहुत से लोगों से संपर्क करके ज्ञान प्राप्त किए, खुद के ज्ञान अनुभव से मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा। तो जो हर श्रृंगार नाम के पौधा होता है बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है, इसमें कई प्रकार के अलौकिक चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती हैं। आज मैं आप लोगों को इसे आकस्मिक धन प्राप्ति करने के लिए पति पत्नी में मन मुटा है, साथ ही साथ मैं आप लोगों को 5 से 6 इसका प्रयोग बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो बना करके भी 5 से 6 इसका और भी प्रयोग बताऊंगा। आइए जानते हैं। जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। और अभी तक हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल का ही नाम है प्राचीन ज्ञान। मैं प्राचीन ज्ञान के ही जो विलुप्त ज्ञान है उसकी अच्छे जानकारी सिखाता हूँ। और लोगों को इस प्रकार से आपको जानकारी नहीं मिलेंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी इस प्रकार की जानकारी नहीं बताएंगे। आइए इसका मैं 4 से 5 प्रयोग बताऊंगा। आकस्मिक धन प्राप्ति करने के लिए हर श्रृंगार की जड़ श्वेत गुंजा की 11 दाने, इन्हें पीले रंग के कपड़े में या फिर चांदी के ताबीज में डाल करके जो व्यक्ति धारण करता है उस व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ होता है, आकस्मिक धन की प्राप्ति
प्राप्ति होती है। यह प्रयोग समाज हित के लिए अच्छा साबित हुआ है। जुआ लाटरी आदि के लिए भी अच्छा साबित हुआ है, पर ध्यान दें कि जुआ लाटरी का खेल सामाजिक बुरा है, इसलिए इसे बचना चाहिए। इसमें विजय भी प्रदान कराता है। पति पत्नी में मन मुटाव होने लगे तो इसके लिए सरल ये उपाय हैं कि केवल हर सिंगार की टहनी एक इंच के बराबर यदि पति और पत्नी दोनों जो है चांदी के ताबीज में भर करके धारण कर लेते तो निस्संदेह मित्रों बिल्कुल ही उनकी समस्या का निदान हो जाता है। पति पत्नी में आपसी प्रेम बढ़ने लगता है, साथ ही साथ निरंतर घर में चलने वाली जो गृह कला होता है वो भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद मित्रों हर श्रृंगार का बांदा यदि किसी भाग्यवान को प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, ध्यान दीजिए, तो रोहिणी नक्षत्र में अगर इसे कोई ला करके धूप दीप दिखा करके अगर पूजा करते हैं और श्वेत गुंजा के 111 दाने के साथ चांदी की डिब्बी में से डाल करके रख लेते हैं, नित्य अगर इसके दर्शन करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, तो इतना ज्यादा धन की प्राप्ति होती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन इसका जो बांदा मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मिल जाए तो आपकी किस्मत बदल सकती है। पुत्र पुत्री के विवाह में अगर किसी को विलंब हो रही है तो केवल हर श्रृंगार की जड़ या फिर जो फूल होता है पूर्णिमा की रात्रि में 21 बार उनके शरीर से उतारा करा देना और तुलसी पौधे के नीचे में दबा देना। यह प्रयोग अंधविश्वास नहीं है, हमने इस प्रयोग को सिद्ध पाया, अतः आप ये उपाय करके किसी के शादी विवाह में विलंब हो रही तो करके देख सकते हैं, 100% लाभ करते हैं। अंतिम उपाय बताना चाहूंगा, भूत प्रेत अगर उपद्रव करें, आपको परेशान करते हैं, तो इस समस्या के निवारण के लिए भूत प्रेत ग्रसित व्यक्ति को या फिर मकान में है तो हर श्रृंगार और घोड़े की नाल ये दोनों को लाल कपड़े में बांध करके रख देने से या फिर ताबीज में भर करके पहना देने से या धारण करने से समस्या से निजात मिल जाता है और ये सत्य प्रयोग है। तो ये थे। तो मित्रों आज के जो वीडियो है कौड़ी के बारे में, यानी कि जो काला कौड़ी होता है इसके बारे में, पीली कौड़ी के बारे में मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन जो काले कलर की कौड़ी होते हैं बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होते हैं। कौड़ी से तो सभी लोग परिचित होंगे, तांत्रिक प्रयोग में काली कौड़ी का अपना अलग ही महत्व होता है। विभिन्न आर्थिक परेशानी, व्यापारिक जो व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, समस्या निवारण करने के लिए कई प्रकार के आज मैं आप लोगों को कौड़ी का प्रयोग बताऊंगा। सर्वप्रथम तो अगर आपको ओरिजिनल काला कौड़ी मिल जाते हैं तो वो ले आना। और मैं कई वीडियो में बोलता हूँ कि आजकल सामानों को डुप्लीकेट बेचा जा रहा है। जी हाँ मित्रों, सामानों को डुप्लीकेट बेचा जा रहा है, इसलिए हमें जो है जो भी तांत्रिक वस्तु रहती है इसका पूर्ण रूप से हमें जो है फल प्राप्त नहीं हो पाता। एक चौपाई के माध्यम से बताना चाहूंगा, मुंड मुड़ाए हरी मिले सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मुड़ते भेड़ बैकुंठ ना जाए। तो मित्रों इसका जो अर्थ है समझ जाइए कि अगर आपको सही चीज मिल जाते हैं तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन वही बहुत से लोग जो है धन लोभ की वजह से सही सामग्री को नहीं देते। तो आइए जानते हैं आज का जो इस विषय पे प्रकाश डालते हैं कि जो काली कौड़ी अगर आपको प्राप्त हो जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल में इस प्रकार की अच्छे अच्छे जानकारी सिखाई जाते हैं। चाहे आपके पास एक ही काली कौड़ी हो, दो हो, तीन हो, सौ हो, जितने भी हो, वो आपको एक ही बार में लेना है और इस मंत्र का केवल 11 बार जाप करना है, वो कौड़ी सिद्ध हो जाएंगे। ओम श्रीम लक्ष्मी सहोदराय नमः, इस मंत्र का जाप करने से वह सिद्ध हो जाते हैं। अब आइए मैं इसका प्रयोग विधि बताता हूँ। व्यापारिक समस्या निवारण करने के लिए, व्यापार में निरंतर घाटा हो रहा है, दुकान में अच्छे से बिक्री नहीं होती, तो उसके लिए ऐसा कर ले, जो सिद्ध काली कौड़ी है, किसी भी शनिवार के दिन एक कौड़ी और एक उल्लू के पंख को काले रंग के कपड़े में बांधकर अपने व्यापार स्थल पर लटकाकर बांध देना। मित्रों पहले से ज्यादा बिक्री होना शुरू हो जाएंगे, ग्राहकों के भीड़ लग जाएंगे। इस उपाय को एक बार करके देखना, ये अजमाया हुआ प्रयोग हम आप लोगों को ही प्रयोग बताते हैं जो अजमा चुके हैं, जो 100% काम करे। इसके बाद है कर्ज निवारण करने के लिए। कई लोग हमें कमेंट करते हैं, गुरुजी हमारे कर्ज काफी बड़े, इसके लिए कोई उपाय बताएं। तो एक काली कौड़ी और हर श्रृंगार एक पवित्र पौधा होता है जिसमें लक्ष्मी जी बसते हैं, तो 3 इंच के बराबर इसके आपको जड़ लेना है और एक साथ पीले रंग के कपड़े में इसे आपको बांधना है और ताबीज के समान आपको इसे बना करके धारण करना है। और धारण करने के बाद आप खुद देखेंगे 7 से 8 दिनों के भीतर में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, आपकी कर्ज धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएंगे। ये अच्छा उपाय है और कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपको आय का साधन प्राप्त होगा। ग्रह दोष निवारण करने के लिए बता रहा हूँ, बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि गुरु जी ग्रह दोष निवारण करने के लिए कोई उपाय बताएं। तो ग्रह दोष से निवृत्ति के लिए तंत्र में अनेक उपाय प्रचलित हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक समस्या को देखते हुए आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कर पाना संभव नहीं होता, मैं सरल प्रयोग बताऊंगा। ग्रह दोष निवारण करने के लिए 3 कौड़ी मयूर पंख की, 3 चांद, जो चांद होता है मयूर पंख के, बहुत ही किसी भी पुराने दुकान पे मिल जाएंगे बहुत आसानी से। श्वेत अपराजिता की 3 इंच की जड़, इसके बारे में पहले भी मैं वीडियो में बताया हूँ,
बस इतनी आपको सामग्री लेना है, इसे तांबे के लोटे में भर करके ऊपर से तांबे का ही पात्र रख करके सुरक्षित स्थान पे आपको रख देना। इस प्रयोग के द्वारा व्यक्ति का जो ग्रह दोष होता है समाप्त हो जाता है, परिवार में सुख समृद्धि आने लगता है, घर से गृह कलह समाप्त हो जाता है, झगड़ा लड़ाई समाप्त हो जाता है और इस उपाय से हमारे घर में लक्ष्मी की बरकत होती है, अन्न धन तेजी से भरते हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों, मैं आप लोगों को सरल से सरल टोने टोटके प्रयोग सिखाता हूँ जिससे आप अपनी किस्मत को संवार सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।